आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नेचुरल गैस की कीमतों में तेजी की वजह से देश भर में सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़त हो रही है। इसी कड़ी में मुंबई में सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, वहीं अहमदाबाद में सीएनजी महंगी हो गई है। इसी महीने के शुरुआत में गेल ने सिटी गैस कंपनियों को सप्लाई होने वाली नेचुरल गैस के दामों में 18% की बढ़त का ऐलान किया था, जिसके बाद देश भर में सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ने की शुरुआत हो गई है। लखनऊ में बता दें कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी और वहीं आने वाले समय में कई और शहरों में कीमतें बढ़ने की संभावना है। शहर की गैस वितरित महानगर गैस लिमिटेड यानी कि MGL ने CNG की कीमत में 6 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही पाइप्ड प्राकृतिक गैस यानी PNG की कीमत तत्काल प्रभाव से 4 रुपये प्रति यूनिट बढ़ाने की घोषणा की गई है। कीमतों में एक महीने में ये दूसरी बढ़ोतरी है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर प्राकृतिक गैस की बढ़ती कीमतों के बीच कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। पिछले कई हफ्तों से बढ़ती कीमतों के चलते आपूर्तिकर्ता और वितरक औद्योगिक आपूर्ति में कटौती करने का मजबूर हो गए हैं। साथ ही बता दें कि इस साल अप्रैल के बाद से कीमतों में ये 6ठी बढ़ोतरी है। वहीं MGL ने एक बयान में कहा, गैस लागत में वृद्धि के कारण हमने लागत की भरपाई करने का फैसला किया है, इसलिए हमने CNG की खुदरा कीमत बढ़ाकर लगभग 85 से ज़्यादा रुपए और घरेलू CNG की कीमत बढ़ाकर 52.50 रुपए तक कर दी है। वहीं बता दें कि अडानी टोटल गैस ने अहमदाबाद में CNG के दाम 1.99 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद कीमत बढ़कर 85.89 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। शहर में CNG की कीमतों में पिछले 11 महीने के दौरान 50% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल चुकी है। इसके साथ ही कंपनी ने घरों में सप्लाई होने वाली PNG की कीमत को 1514 रुपए प्रति MMBTU से बढ़ाकर 1542 रुपए प्रति MMBTU कर दिया है। एक MMBTU में करीब 30 MCM होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।